हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक व्लॉग। दोस्तों, अगर आपको टैबलेट के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत है तो मैं आज स्टूडियो में एक कीबोर्ड लेकर आया हूं जो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। उसके साथ इसमें टच पैड भी आपको मिल जाता है, मतलब माउस और कीबोर्ड दोनों का काम एक कीबोर्ड कर देगा। तो ये कीबोर्ड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता है, चाहे वो iOS हो, एंड्रॉयड हो या फिर विंडोज़ हो। तो आज इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट का पैकेट और मैं इसे जल्दी से खोल के बॉक्स को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये रहा कीबोर्ड का बॉक्स। ऊपर लिखा हुआ है फोल्डेबल ब्लूटूथ कीबोर्ड विथ टच पैड। राइट साइड में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि कीबोर्ड का साइज़ हो गया, टच पैड का साइज़। उसके अलावा इसका वेट जो है वो 197.3 ग्राम है और इसमें लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है 140 mAh की। बैक साइड में यहाँ पर कीबोर्ड का प्राइस मेंशन किया हुआ है 4500, बट ये 2600 रुपये में फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पर मिल जाएगा। उसके साथ ही ये विंडोज़, एंड्रॉयड एंड iOS तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए कैपेबल है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और कीबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड, तो इसे निकाल कर साइड में रख लेते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों ही लैंग्वेज में दी गई है, इसकी मदद से आप पेयर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बॉक्स मिल जाता है तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर USB A2 माइक्रो USB केबल मिल जाती है जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी अडाप्टर नहीं मिलता है, तो मतलब किसी भी फ़ोन के अडाप्टर से आप अपने कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा कीबोर्ड और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लास्टिक की बॉडी दी गई है बट लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो इसे अनफोल्ड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कीज़ मिल जाती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। उसके साथ ही आपको टच पैड भी मिल जाता है। फिज़िकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको साको की ब्रांडिंग मिल जाती है और 3 LED नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर टच पैड मिल जाता है और लेफ्ट साइड में आपको कीबोर्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है। इसमें आपको जो कीज़ मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। उसके साथ ही जो फीडबैक मिलता है टाइपिंग करने में वो काफ़ी मज़ेदार है। उसके साथ ही इसमें जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 0.3 mm का है। ऊपर साइड में यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके ही बगल में आप एक बटन मिलता है जिसे आप पेयर कर सकते हैं और आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हैं। तो आप कीबोर्ड को अपने टैबलेट के साथ पेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक टैबलेट के ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद कीबोर्ड के स्विच को ऑन करते हैं और इसके बाद पेयरिंग वाला बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे साइड में हमारा कीबोर्ड शो कर रहा है, तो उस पर टच करते हैं और पेयरिंग होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर 6 डिजिट का कोड आया है जिसे मुझे प्रेस करके इंटर करना है, तो मैं प्रेस कर लेता हूँ इंटर और हमारा डिवाइस अब कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एरो आ गया है और बिल्कुल लैपटॉप वाली फीलिंग आ रही है और टच पैड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ टाइप करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PUBG बैन क्यों हुआ, तो टाइप करने में काफ़ी ईजी है। यहाँ पर इंटर करना है तो ये पेज ओपन हो गया है। इसे स्क्रॉल करने के लिए आप एरो क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके टच पैड में आपको मल्टी फंक्शन जेस्चर मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मैं 2 फिंगर से आसानी से स्क्रॉल कर सकता हूँ पेज को, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसके टच पैड में कोई भी बटन्स नहीं दिए गए हैं जैसे कि लैपटॉप में होते हैं। तो आप सिंगल फिंगर की मदद से लेफ्ट वाले बटन का काम कर सकते हैं और डबल फिंगर की मदद से राइट वाले बटन का काम कर सकते हैं। जैसे आप माउस की राइट वाली बटन से ऑप्शन ओपन करते हैं, उसी तरह इसमें डबल फिंगर की मदद से आप ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको कुछ हद तक माउस वाले फ़ीचर मिल जाते हैं। इस कीबोर्ड में आपको बहुत सारी फंक्शन की मिल जाती है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे शॉर्टकट्स कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आना हो या फिर अपने डिवाइस के वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना हो या फिर ट्रैक चेंज करना हो सॉन्ग वगैरह का। इसके अलावा इसकी मदद से आप अपने डिवाइस को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए मुझे 3 दिन हो चुके हैं और अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा रहा। टाइप करना काफ़ी ईजी है इसमें, बट कभी कभी थोड़ा दिक्कत आती है, जैसे कि ये फोल्डिंग कीबोर्ड है तो बीच में जो गैप आ जाती है उसकी वजह से कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी मस्त कीबोर्ड है और यूज़ करने में काफ़ी मज़ेदार है। इस कीबोर्ड का उपयोग आप अपने मोबाइल फ़ोन में टाइपिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एंड्रॉयड के सभी डिवाइस के लिए कैपेबल है। उसके अलावा iOS और विंडोज़ के लिए भी कैपेबल है।
तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की टाइपिंग के लिए भी इसे उपयोग में ले सकते हैं। बट जाहिर सी बात है कि मोबाइल फ़ोन के लिए उतना यूज़फुल नहीं है जितना ये टैबलेट के लिए, तो टैबलेट के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है। जब तक चाहे यूज़ कीजिए, उसके बाद फोल्ड करके आप आराम से रख सकते हैं इसे। तो अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स की, कि क्या मुझे इसमें अच्छा लगा और क्या मुझे इसमें पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले प्रोज की बात करें कि क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, जिसका जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट 10 प्लस से मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो उससे भी थोड़ा छोटा ही है। तो इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है और आप अगर इसे कहीं लेकर जाना चाहते हैं, मतलब ट्रैवल वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो बैग वगैरह में रखने में काफ़ी आसानी आपको होगी। उसके साथ ही जो इसका वेट है वो 197 ग्राम है, तो मतलब काफ़ी हल्का भी है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम किस्म की है, मेटल नहीं दिया गया है, प्लास्टिक है, बट फिर भी इसकी फिनिशिंग दी गई है वो काफ़ी मस्त दी गई है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसकी बटन की क्वालिटी भी काफ़ी मस्त लगी मुझे, मतलब यूज़ करने में आप फीडबैक जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है और बटन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही जो इसका लास्ट फीचर मुझे अच्छा लगा वो है इसका बैटरी बैकअप। आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो आराम से आपको, अगर पूरा दिन भी आप यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, मतलब आराम से इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है और चार्ज होने में ये 2 घंटा लगाता है, तो बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के कॉन्स की, कि क्या मुझे इसमें पसंद नहीं आया। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो इसका टच पैड। इसका टच पैड काफ़ी अच्छा है बट इसका जो साइज़ दिया गया वो काफ़ी छोटा है, तो अगर आपकी उंगली बड़ी है तो आपको यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत होगी। उसके बाद दूसरी कमी की बात करें तो जो इसका हिंज दिया गया है वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, मतलब अगर से आप अनफोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं बैंड हो जाता है, तो अगर आप हैंड में लेके यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आने वाली है, बाकी अगर आप प्लेन सरफेस पे लेके यूज़ करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ ही इसमें जो टी और वी का की दिया गया है वो थोड़ा सा छोटा दिया गया है हिंज आने की वजह से, तो कभी कभी टाइप करने में दिक्कत आ जाती है, बाकी देखा जाए तो ठीक है, कोई भी मुझे कमी इसमें नहीं लगी। और फाइनली जो मुझे इसमें, मतलब कमी तो नहीं कहेंगे बट इसका जो प्राइस है 2600 रुपये वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मुझे। अगर आप बैंगूड या अलीएक्सप्रेस से इसे परचेस करते हैं तो 1800 में आपको मिल जाएगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उन सब साइट से आप परचेस करें। आप जब भी परचेस करें तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ही परचेस करें, तो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट भी 2600 रुपये में अवेलेबल है, तो 2600 रुपये अगर आप दे सकते हैं इसके लिए तो ठीक है। अगर आप सस्ता देना चाहते हैं तो दूसरा भी कीबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको टच पैड के साथ कीबोर्ड चाहिए तो 2600 रुपये में यही कीबोर्ड बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।